आप दोनों को जो है ना मामू की शादी में पार्लर से तैयार होना है, सही है? माय गॉड, हाँ होंगे तैयार। अरे वाह, दादी तो मान गई। नहीं, पार्लर से होंगे तैयार, मगर सबके सामने नहीं आएंगे भाई। क्यों क्यों भाई, फिर फायदा तैयार होने का? फायदा क्या लगवाया जी? मैंने कौन से मेरा मुंह काट दिया। ओए होए, कितना जी। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं जो हूँ अपना ब्लॉग 10:15 पे जो है मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और घर का काम जो हमारा हो गया। मैंने पहले ऐसा सोचा था कि मैं जो है ना काम करने से पहले ही व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलें काम करने के बाद ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी। और सुबह का टाइम हो रहा है तो काम वगैरह हमारा हो चुका था और मेरी बहन और अम्मी जो हैं वो अड्डे पर बैठ गई, यानी काम बना रही हैं, और पापा भी ड्यूटी पर चले गए। हमारा अड्डा है, ये शेड है, और इधर का काम देखें, यहाँ पर दामन का काम जो है ये हो चुका है और अर्जेंट का है, तो यहाँ का 20 का काम भी रह गया। और अम्मी और मेरी बहन जो है वो अड्डा बना रही है अभी। पापा का जो है ना डॉक्टर ने 1.5 से 2 महीने का जो है रेस्ट बताया था, लेकिन मजबूरी थी तो इसलिए पापा जो है जल्दी गए काम पर। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे, वहाँ जाके मुझे आपसे एक ख़ास बात करनी है, तो आइए हम छत पे चलते हैं। छत पर आ गई हूँ और मैं अब आपसे वो ख़ास बात करूँगी जो मैं अक्सर आपके साथ वीडियो में करती हूँ। आपको तो दोस्तों पता है कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 7,000 जो मुकम्मल हो गए हैं, और इस बात की जो मुझे बहुत खुशी है। दोस्तों आपको पता है जब मैं अपने सब्सक्राइबर देखती हूँ ना, जब मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन जब मैं अपने व्यूज़ देखती हूँ, जब मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मेरे 7,000 सब्सक्राइबर में सिर्फ 100 व्यूज़। आप लोग बस मुझे जो है ना देखने वाले जो हैं वो 100 हैं, उसमें भी शुक्र है कि मुझे इतने लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों भले ही 7,000 सब्सक्राइबर के साथ मेरे व्यूज़ 7,000 ना हो, लेकिन दोस्तों 1,000 तो हो, 1,000 होगी जब भी मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत हौसला मिलेगा आप लोगों से। दोस्तों इंशाल्लाह एक दिन तो मैं कामयाब होंगी, मुझे मेहनत का फल मिलेगा, फल देने वाला अल्लाह होगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बस यही सोचती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। दोस्तों देखें, अगर मेरी वीडियो में यानी कुछ गलत है या कुछ भी मिस्टेक है, आप लोग मुझे बताएं कमेंट में, ताकि मैं अपनी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बना सकूं। हूँ दादी के घर पर, दादी से थोड़ी देर मिलने के लिए, क्योंकि आज जो मेरी दादी जा रही हैं बड़े वाले ताया के घर पर, यानी कुरंगी में जो रहते हैं उधर जा रही हैं। और मैंने ऐसे चले दादी यहाँ, जब तक अभी यहाँ पर है थोड़ी देर में जो दादी का रक्षा आ जाएगा, और जब तक दादी यहाँ पर है थोड़ा सा उनके साथ वीडियो बना रहे थे, थोड़ी बातें कर रहे थे, और दादी को अल्लाह हाफिज़ भी कहते थे। तो आइए हम चलते हैं दादी के पास। आ गई हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, अच्छा, मेरी नानी और मेरी दादी एक साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई आप लोग की जोड़ी माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है एक साथ, और ऐसे रहे हमारी। हाँ अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही रखे, आपकी दुख तकलीफें दूर करे, और अल्लाह पाक मेरी नानी और दादी को इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे। हाँ सही बात है। और देखे नानी दादी की जोड़ी, और भाई क्या हो रहा है इधर, पान की पार्टी, पान की पार्टी चल रही है इधर नानी और दादी के बीच में। और दादी तबीयत सही है आपकी? तबीयत तो खराब है बेटा, देख ले रही हो? अच्छा दवाई, और यहाँ पर दादी दवाई खा रही है। और नानी आप कोई काम से आई थी या दादी से मिलने? हमारा मामू की दिन तारीख ठहराया ना, तो जी घर से कारट आया, उसके साथ में मिठाई भी आया, तो मैंने समझा अपना सहेली को भी मिठाई। हाँ दोनों सहेलियों ना देने आई थी, मुँह मीठा करके हम सबको मिठाई, वजह से इनको भी मुँह मीठा करना है। अच्छा, और जैसा कि आपको पता है मेरे मामू की शादी जो 1 महीने बाद है, और नानी और दादी आप लोग को एक बात बताऊँ मैं, आप दोनों को जो है ना मामू की शादी में पार्लर से तैयार होना है, सही है? हाँ होंगे तैयार। अरे वाह, दादी तो मान गई। नहीं पार्लर से होंगे तैयार, मगर सबके सामने नहीं आएंगे भाई। क्यों भाई, फिर फायदा तैयार होने का? फायदा क्या, तैयार किस लिए होते हैं भाई? खुदा का दिया नूर, कभी ना वो नूर दिया, अल्लाह ने नूर दे दिया ना, जी जी बस वो ही रहेगा, हमें अल्लाह ने अपना नूर दिया बस, बस। अच्छा आप लोग तैयार होते तो अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, तैयार होके और ज्यादा प्यारे लगते हैं। हाँ। आप लोग जब पार्लर से तैयार होगी ना, बिल्कुल लड़की लगोगी। ठीक है, तो बेटा बात यह है कि उम्र भी छोटी से करवा देना अल्लाह से। तैयार वैसे भी पार्लर में तो अगर जो भी तैयार होता है उम्र तो छुप जाती है, इतना मेकअप लगता है जब है भाई, ऊपर वाले को दिखाना है जी, बस हम तो वही लेके जाएंगे जो हमारा मुंह है।
सही बात है, अल्लाह ने दिया है, बस समझे नहीं, समझ गई, अल्लाह ने हमें नूर दिया ना, हम उसी में जाएंगे भाई। अच्छा, काले और आज तो नानी दादी को पान खिला रही है भाई। हाँ ना, मैं बोला चलो मैं बना के खिला दूँ अपना हाथों से। कुछ नहीं हुआ कि मेरे हाथ में चोट लग गई। अच्छा, चोट लग गई, क्या हुआ? वो वहीं पर पता नहीं चलता है मुझे, एक जैसे भी ठेस लगती है, चोट लगती है, खून निकलता हुआ पता चलता है। अच्छा, अरे भाई आज तुम नया कपड़ा पहन के बैठी हुई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हाँ भाई, बड़े लड़के की तरफ सोच रही हूँ जाने के लिए। जी, बड़े ताया के घर पे जा रही है ना, इसलिए तू बहुत दिनों से आया नहीं है, कुछ मुझसे नाराज है। अच्छा, हाँ चलो जाके अपना बेटा को मना लेना, फिर राधी करके ले जाऊंगी। अच्छा अच्छा, पोती भी, पोती की शादी भी है, राधी को करना है। हाँ, अभी इसके दूसरे पोती की शादी भी है। माशाल्लाह, इधर शादियों का मौसम है, मौसम है, इधर मेरी बेटा की शादी हुई जी, मामू के थोड़े दिन बाद ही इधर है ना शादी। पहले आदना की और बेटे की और फिर उसके बाद में तुम्हारी। भाई पान लगवाया जी, मैंने कौन से दुश्मन आ गया, मेरा मुंह काट दिया। ओए होए, कितना कितना खालो मुंह आ गया। नहीं भाई, हमारा कोई दुश्मन नहीं है जी, ये बहन नहीं है, नहीं है ना, लगा के मेरा मुंह ही काट दिया। हाँ, गाता छूना लगा दिया नानी। चलो 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 चलो, मुँह सही करो, मुँह मीठा करो। शादी से पहले कुछ खाना खा, कम खाऊंगी ना। ओहो, बचत होगी। मैंने निकाला, मैंने बोला चलो कम कम खाना खा लूँ। इनकी दो लड़कियाँ मैं अपने घर पे लाई हूँ जी, मगर उससे भी पहले की है मेरी दोस्त, मेरी बहन। अच्छा, बहन बनी है, क्योंकि मेरी यहाँ पर कोई बहन नहीं है, यही मेरी बहन है जी। समझते नहीं है, नहीं हम दोनों ऐसे रहेंगे, अल्लाह पाक मोहब्बत सलामत रखे। जाती है ना जी, बुरा भला भी कह रहे थे तो ये सुन लेती है, और ये कुछ मुँह तो मुँह सुझा लेती फिर मैं मना। हाँ, सही बात है, तो जिंदगी का साथ जी है। जैसे हम खुश है ना, अल्लाह पाक ऐसे सबको खुश रखे जी, आमीन। वो जा रही है कुरंगी, देखिए अपना सामान भी साथ लेके जा रही है, ये क्या है, पंखा और सब चीज है। चलो दादी बैठो, और यहाँ पर दो मेरे ताया जा रहे हैं मेरी दादी के साथ। मेरी दादी चली गई और आपको मैंने दिखाया कि दादी अपना सब सामान जो अपने साथ लेकर जाती है, उधर भी वैसे है सब सामान जहाँ दादी रुकने जा रही है, लेकिन जहाँ भी जाती है अपना सामान, अभी आपने देखा दादी के हाथ में पंखा भी था, तकिए वगैरह भी, जो ना दादी को अपने ही सामान की आदत है, तकिए भी लेके गई, यहाँ तक के ओढ़ने की चादर है, तौलिया, पानदान, सब चीज़ें जो है ना दादी अपने लेके गई हैं। किसी के साथ ऐसा होता है ना कि हर चीज़ पर जो आदत होती है, यानी दादी तकिए भी अपने लेती हैं, चादर भी अपनी लेती हैं, तौलिया वगैरह भी। शादी की तैयारी हमारी तैयारी नहीं हो रही है, यानी मामू के दुल्हन की तैयारी, यानी हमारी मामी की। कल मेरी खाला गई थी, मेरी बराबर वाली खाला, बड़ी वाली खाला, मिजोहा की मामा, यानी ये तीनों गए थे शॉपिंग करने के लिए मेरी मामी के लिए, होने वाली मामी के लिए। और क्या क्या लाए मैं आपको बताती हूँ, बारात का लहंगा लाए, और वलीमे की जो है मैक्सी लेकर आए, और बाकी ऐसे घर के जो कपड़े होते हैं, और बहुत से सामान लाए हैं जो अभी तक हमने नहीं देखा है। इस बार जो खेल रही है और इन्होंने विग लगाई है, आप लोग बताएं कि ये विग में कैसी लग रही है, अलिशबा घूम के दिखाओ। और ये देखें इनकी जुल्फे, यहाँ से ये असली वाले, और ये देखें पीछे विग लगाई हुई। मैंने ये आटा जो छान लिया और इसमें नमक भी डाल दिया है, और दोपहर में हम बना रहे हैं रोटी बनाएंगे, और उसके साथ जो अंडे, अंडे की चटनी समझ लीजिए जिसमें हम प्याज वगैरह भी डालते हैं, वो बनाएंगे। रोटी पका रही हूँ, रोटियाँ देखिए ये पक चुकी हैं, ये आखिरी रोटी ले गई थी। खाना वगैरह जो हमने खा लिया है, और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि दोपहर के दो पूरे पूरे दो बज रहे हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग, पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।